या बातमीचे प्रायोजक आहे ICSD इंडियन सेंटर फॉर स्किल डेव्हलपमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर. आमचा पत्ता लष्कर ममता रेडीमेड जवळ सोलापूर. आशंका नहीं है, अंदाज नहीं है. ताई 1,00,000 वोटों से जीत के आ चुकी है. जब ताई को टिकट मिली तीन चार महीने पहले, ताई ने प्रत्येक वोटर्स को दो दो तीन तीन बार मुलाकात की. और राम सतपुती की बात है, उसका पार्सल भीड़ को वापस भेजने वाले हैं सोलापुर की पब्लिक. ये पिछले 4 महीने के कैंपेनिंग में हमने सब ने देखा, ताई ने सिर्फ और सिर्फ काम की बुनियाद पर और अपने विकास की बुनियाद पर बात की है. और राम सातपुते मस्जिद मंदिर हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, इसके अलावा उसके पास कोई भी टॉपिक नहीं थे. उसके जितने भी उन्होंने कैंपेनिंग के लिए बुलाया था, BJP के जितने भी लोग आए थे, नरेंद्र मोदी आए, योगी साहब आए, जितने भी लोग आए, सिर्फ हिंदू मुस्लिम जात पात इसके ऊपर बात की. और ताई के पूरे 4 महीने के स्पीच में एक बार भी ताई ने हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात नहीं की. जितने भी BJP के कैंपेनर आए, सिर्फ और सिर्फ जात पात अपना माहौल ख़राब करने की बात की. और ताई आप पिछले देख रहे हैं, ताई 1,00,000 वोटों से निवड़ के आ गए हैं. आज आपने जो है ये जल्लोष बनाने का जो फैसला लिया है, किन मुद्दों को देखकर और क्या ऐसा आपने अनुमान लगाया कि ताई 1,00,000 ही वोटों से जीतेगी? जैसा आप देख रहे हैं, लोगों ने ये इलेक्शन अपने हाथ में लिया था और MMM मुस्लिम और मराठा लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर कांग्रेस पार्टी को ताई के काम को देखते हुए मतदान किया है. जैसा आप देखेंगे, अक्कलकोट हुआ, उत्तर हुआ और दक्षिण हुआ, ये तीनों में BJP के अंदर है. और अक्कलकोट, दक्षिण, उत्तर, यहाँ से BJP को लीड मिलेगी, यहाँ से कांग्रेस को लीड मिलेगी. BJP यहाँ पिछाड़ी पर है. दक्षिण की बात अगर मैं करूँ, दक्षिण में जैसा चिमनी का मसला हुआ, सिद्धेश्वर सहकारी कारखाने का जो चिमनी तोड़ा है, लिंगायत समाज हो, मराठा समाज हो, धनगर समाज हो, पूरा BJP के जो उधर के स्थानीय आमदार थे, उन्होंने कुछ काम नहीं किया. इस वजह से दक्षिण में कांग्रेस को लोगों ने बहुत सारा वोट दिया है. और इस बार जो है लोकसभा चुनाव में किस समाज का सबसे ज़्यादा पार्टी का कांग्रेस पर रहा हो? मुस्लिम समाज और मराठा समाज लाइन लगा के जो उन्होंने मतदान किया है, एक उत्साह था. अभी देखो, ये चाचा की बात करूँगा, इन्होंने सुबह सुबह 7 बजे जाके मतदान किया. लोगों में एक जागृति आई थी, क्योंकि ताई ने रोज़ पानी देने का वादा किया. ताई ने, कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया अलायंस ने एक पहली नौकरी पक्की का वादा किया है. हर प्रत्येक महिला को 8,500 महीना देने का वादा किया है. जो सिर्फ काम की बुनियाद पर कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस, महाविकास आघाड़ी ने जो कैंपेनिंग किया है, इस वजह से पूरे लोगों ने वन साइड मतदान किया है सोलापुर की. अभी आपकी जो खुशी है, 4 तारीख को यही खुशी रहेगी क्या फिर? नहीं, 4 तारीख को इससे बढ़कर खुशी रहेगी. 4 तारीख को मैं चैलेंज करता हूँ BJP के कोई भी कार्यकर्ता से, शुएब मागा में अगर तय निवड़ को है, 2,500 लोगों को राशन, महीने का एक राशन देगा. BJP का कोई भी एक कार्यकर्ता अगर बोला राम सातपुते निवड़ के आने के बाद वो सिर्फ नारेबाजी, जात पात फैलाने की बात करेगा, लेकिन कांग्रेस का, मैं एक छोटा सा ताई का एक कार्यकर्ता हूँ, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, ताई 4 तारीख को निवड़ के आएंगे और तिरंगा गुलाल हम खेलेंगे. शिखा कम हुआ अनि स्वावलंबी हुआ. ICSD इंडियन सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर. आम्ही मान्यता प्राप्त व्यावसायिक कोर्सेस ऑफर करतोय, जे तुम्हाला विविध क्षेत्रामध्ये स्थानिक आणि परदेशात नोकरी व व्यवसाय करण्याची सुवर्ण संधी देत आहो. पॅरामेडिकल कोर्सेस जसे DMLT, X-ray, MRI, CT scan, OT, नर्सिंग आणि BO, याचबरोबर
डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट कोर्स, प्राथमिक आणि मॉन्टेसरी शिक्षक प्रशिक्षण अभ्यास करा, एयर कंडिशनिंग आणि रेफ्रिजरेशन कोर्स, कर्नाटकातील दी फार्मसी कॉलेज करिता ऐडमिशन अँड गार्डन सेंटर, या सोबतच विविध शॉर्ट टर्म कोर्सेस ही उपलब्ध। आम्हाला निवडा कारण 100% नोकरीची संधी, सवलतीचे शुल्क, अनुभवी प्रशिक्षकांद्वारे प्रत्यक्षिकांसाठी प्रयोगशाळेची व्यवस्था। आजच तुमचा प्रवेश निश्चित करा। आमचा पत्ता लष्कर ममता रेडीमेड जवळ सोलापूर, संपर्क क्रमांक 94056558 आणि 76662492।